कि प्रश्न किसी एजेंसी का नहीं है, परंतु जो शरारती तत्व हैं वो इसी लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसलिए देश के न्यायपालिका ने, सर्वोच्चतम न्यायपालिका ने हिंदुस्तान को एक विश्वास दिया था, हम जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इसके टाइटल सूट को डिसाइड करेंगे। कोर्ट के अंदर पिछले 2 साल में राजनीतिक दलों ने, धार्मिक कट्टरपंथियों ने, कांग्रेस कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक शरारत करके सुप्रीम कोर्ट के समय को खाया और बर्बाद किया है। उन्होंने लंबी बहस चलाई, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई हो। दूसरा, कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच अधूरा है, फुल बेंच को दिया जाए, इसके लिए अननेसेसरीली डिबेट की। तीसरा, कुछ स्कॉलर्स ने इस बात के लिए मुस्लिम ने की कि नमाज के लिए मस्जिद, इसकी बहस चलाई कि नहीं, 2 साल से अधिक सुप्रीम कोर्ट का समय उन्होंने खाया जो अननेसेसरी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों चीज़ों का फैसला दे दिया कि बेंच सफिशियंट है, बड़े बेंच की ज़रूरत नहीं, सुनवाई उसके बाद की ज़रूरत नहीं, चुनाव की उससे पहले की जा सकती है, और नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं। अब उनको टाइटल सूट का फैसला देना है, जितना जल्दी, जैसे उन्होंने ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं को फैसला दिया, सब पक्षों को एक साथ सुना और बताया ये धार्मिक मामला नहीं है, इसलिए संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है, यह एक भ्रष्टाचार और कुरीति है, इस्लाम के अनुसार ये धार्मिकता नहीं है, और उसने फैसला दिया, सरकार को कानून बनाने के लिए कहा, सरकार ने जल्दी से कानून बना दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी करे और टाइटल सूट बताए, और उसका बंटवारा नाजायज किया गया है नीचे के कोर्ट ने, इसको घोषित करें, सरकार को निर्देशित करें, सरकार रास्ता बनाए, इस समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। अब लोगों के मन में आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट का डिले करना उचित नहीं है, क्योंकि आतंकवादी नक्सलवादियों के रूप में कभी समस्या